Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी हों या मुफ्ती हों, ये वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग आतंकियों को पनाह भी देते हैं। ओवैसी हों या मुफ्ती हों, ये वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले लोग हैं। मुफ्ती और फारूक यही लोग हैं जो आतंकियों को पनाह भी देते हैं। भूले नहीं, जब मोदी जी आए थे तो पूरे देश में बम फूटते थे। आज पत्थरबाज भी बंद हुए हैं, अब कश्मीर से हट करके अब पाकिस्तान ने एक नई चाल चली है जम्मू की ओर। LG का बयान आपने सुना होगा, मनोज सिन्हा का, उन्होंने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे और भारत का एक एक लोग उनके पक्ष में खड़ा है और भारत का जवान, भारत की पुलिस इन आतंकवादियों को सबक सिखाएगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती, जब से ये नए DGP अपॉइंट हुए और लास्ट लगातार कई महीनों से जिस तरीके की इन सब घटनाक्रमों में वृद्धि हुई है, आखिर जवाब कौन देगा? आप लोगों ने तो 6 साल में एक नैरेटिव सेट किया था, क्या रीजनल पार्टी इसके लिए काम करेगी? कौन करेगा इस पर काम? हम ही कर रहे हैं। भूल गई मुफ्ती क्या? पत्थरबाजों को कौन पनाह देता था? मुफ्ती को नहीं मालूम, फारूक को नहीं मालूम? इसका भी जवाब हम मुफ्ती को देंगे।